नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना चटिकला टाइम टीवी देख रहे आप सबका हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर अहम सुर्खियों पर। हरियाणा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 51 आईएएस, 5 एचसीएस अफसरों का तबादला, विजय वर्धन होंगे गृह विभाग के एसीएस। जिन मुख्यालयों पर ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर जिला के अधिकारियों की अहम बैठक, घरों एवं पोल्ट्री फार्मों से निकलने वाले कचरे का इस्तेमाल करने के लिए बताए तरीके। हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रचंड ठंड ने तोड़ा 19 साल का रिकॉर्ड। छुट्टियों को लेकर सीएम खट्टर का बड़ा ऐलान, 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभावी से 9 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। तबादला होने वाले अफसर एडीजीपी, आईजीपी और डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं। इनमें से सीसीएल लीव के बाद लौट रहे आईपीएस भारती अरोड़ा को करनाल रेंज के आईजीपी की जिम्मेवारी सौंपी गई। भारती अरोड़ा सीसीएल से लौटने के बाद अपनी नई पोस्टिंग के इंतजार में थी। उन्हें अब सीएम सिटी रेंज की जिम्मेवारी सौंपी गई। इसके अलावा डीईओ, डायरेक्टर एंड सिक्योरिटी, एचपीओ को कमांडेंट जनरल, होमगार्ड एंड सिविल डिफेंस लगाया गया, जबकि एडीजीपी सुनारिया पुलिस कॉम्प्लेक्स देसराज सिंह को एडीजीपी स्पेशल क्राइम ब्रांच पुलिस मुख्यालय की जिम्मेवारी सौंपी गई। एचपीए मधुबन के एडीजीपी श्रीकांत यादव अब एडीजीपी पीएम एंड डब्ल्यू के साथ साथ एससीआरबी के एडीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। खास बात यह है कि अब आईएएस विजय वर्धन गृह विभाग, जेल, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और प्रशासनिक न्याय विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव का पदभार संभालेंगे। नई सरकार में यह जिम्मेवारी सीएम के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर को दी गई थी। दिल्ली से सटे सोनीपत के अटेरना गांव में देर रात को ग्रामीणों ने 6 लोगों को घूमते हुए पकड़ लिया। उनके पास मेड इन पाकिस्तान लिखी टोपी मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया, तो उन लोगों ने गांव में एक परिवार के यहां आने की बात बताई। ग्रामीण उन सभी को गांव में उस परिवार के घर लेकर चले गए, लेकिन वह परिवार भी उन लोगों का नाम नहीं बता सका, जिससे ग्रामीणों ने टोपी के आधार पर उन सभी के पाकिस्तानी होने का शक जताया और उन सभी को पकड़कर कुंडली थाने लेकर गए, जहां पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है और इस पूरे मामले की गंभीरता को देखकर हुए उच्च अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। हरियाणा के पूर्व लोकायुक्त एवं ठोस कचरा निगरानी कमेटी के अध्यक्ष प्रीतम पाल ने आज जिला जींद मुख्यालय पर ठोस कचरे के प्रबंधन को लेकर जिला के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की एवं उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए कि घरों से एवं पोल्ट्री फार्मों से निकलने वाले कचरे का किस प्रकार से प्रबंधन हो कि गीले कचरे से खाद बनाई जाए। बैठक के पश्चात पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण बारे उन्होंने कहा कि दिल्ली में पराली जलाने के कारण प्रदूषण तो दूसरे नंबर पर प्रदूषण का कारण वहां पर वाहनों के कारण निकलने वाला धुआं है। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर और पोल्ट्री फार्मों के ऊपर इनमें जो गंध पैदा होता है उसका समाधान निकालने के लिए आज ये मीटिंग थी और शहर की सफाई और सारे ज़िले में जो म्यूनसिपल कमेटियों का वेस्ट निकलता है तो उसका कैसे प्रबंधन होना चाहिए उसके ऊपर मीटिंग में डिस्कस हुआ। सारे इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी सब डिवीज़न हैं, सफीदों, जुलाना, नरवाना और ये जींद, तो सारी हर एक शहर की पूरी सब समस्याओं को हमने स्वस्थ अभियान जो है कि उसको कैसे कामयाब किया जाए उसके ऊपर डिस्कशन था। उसमें मेन पॉइंट ये था कि शहर के जो लोग हैं उनको कैसे इन्वॉल्व करें, उसमें उनको साथ लेके चलना चाहिए। सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, ये सब का हमारा फर्ज बनता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जनता मिलके काम करें, ये तब सफल हो पाएंगे इस काम में। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद श्री धर्मवीर सिंह ने लोक निर्माण विश्राम गृह भिवानी में नागरिकता संशोधन बिल पर पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नागरिकता संशोधन बिल राष्ट्रीय हित में है, इस मामले में विपक्ष तर्क वितर्क न करे। उन्होंने कहा कि भारत में पहले से रह रहे नागरिकों को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इससे किसी भी नागरिकता नहीं ली जाएगी।
हरियाणा सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। हरियाणा में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कैथल में संस्कृत विश्वविद्यालय के गठन के साथ साथ हरियाणा शिक्षा बोर्ड में संस्कृत ओपन बोर्ड का गठन किया गया। इस तरह संस्कृत को हरियाणा सरकार अधिक से अधिक जनमानस की भाषा बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। हरियाणा संस्कृत अकादमी संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए हर संभव कार्य करेगी। यह घोषणा हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉक्टर सोमेश्वर दत्त शर्मा ने हरियाणा संस्कृत अकादमी के सौजन्य से स्थानीय गौशाला मार्केट रोड स्थित श्री सनातन धर्म संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित संस्कृत भाषा के विकास विषय पर संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। हाड़ कपा देने वाली ठंड ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया है। बर्फीली हवाओं ने लोगों को घरों के अंदर कैद करने पर मजबूर कर दिया। बढ़ती ठंड ने शिमला को भी पछाड़ दिया। दो दिनों से हिसार में शिमला से ज्यादा भयंकर ठंड पड़ रही है। रात्रि पारा माइनस से नीचे पहुंचने से खेतों में पाले की परतें जम गई। पाला पड़ने से फसलों पर असर पड़ रहा है। यही नहीं, कड़ाके की ठंड में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होकर रह गया। वहीं भिवानी में ठंड अधिक होने का कारण लोग परेशान हैं। लोगों की माने तो केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार ठंड ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से इस क्षेत्र में बहुत भारी सर्दी पड़ रही है, जो कि अपने आप में असामान्य बात है। आमतौर पर इन दिनों ऐसी ठंड नहीं पड़ती है और ना ही दिसंबर में इतनी ठंड पड़ती है। अब की बार 15 दिसंबर से जो सर्दी का दौर शुरू हुआ था पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद, वो अब तक नहीं थमा है। और बर्फबारी के बाद जो ओलावृष्टियाँ हुई, उससे तो फसलों को नुकसान हुआ था, लेकिन अब जो ठंड पड़ रही है या धुंध पड़ रही है, उससे यहाँ की फसलों को फ़ायदा मिलेगा। खास तौर पे गेहूं और सरसों की जो फसल है, उसे नमी मिलेगी इससे, और वो किसानों को तो अच्छी फसल की उम्मीद है इससे। और जहाँ तक सर्दी की बात है, सर्दी से आम जनजीवन तो प्रभावित हुआ है। खास तौर पर जो बुज़ुर्ग हैं और बच्चे हैं, उनके लिए सर्दी को सहन करना ज़्यादा मुश्किल है और इसी कारण बीमारियाँ बढ़ रही हैं। वहीं हरियाणा सरकार ने शीतलहर के चलते सरकारी स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं अब सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्राइवेट स्कूल भी 30 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक बंद रखने के आदेश दिए। बता दें कि हरियाणा में मौजूदा समय में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हरियाणा और चंडीगढ़ में प्रचंड ठंड ने 19 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कोहरे व धुंध के मौसम के चलते वाहन चालकों को हादसों व दुर्घटनाओं से बचाने के लिए स्वर्गीय डॉक्टर एलसी वालिया मेमोरियल ट्रस्ट व जन कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर जीआरपी लोहारू के सहयोग से वाहनों को रिफ्लेक्टर लगाए गए। इस मौके पर जीआरपी लोहारू प्रभारी सत्यपाल सिंह ने कहा कि सर्दी के मौसम, खासकर धुंध व कोहरे के समय में वाहन चालक विशेष सावधानियां बरतें तथा अपने वाहनों को रिफ्लेक्टर अवश्य लगवाएं, ताकि हादसा घटित होने की संभावनाएं न हो। इस दौरान स्वर्गीय डॉक्टर एलसी वालिया मेमोरियल ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित वालिया व जन कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रमोद सैनी ने कहा कि धुंध व कोहरे के मौसम में अधिकांश हादसे वाहनों के आगे व पीछे रिफ्लेक्टर न होने से होते हैं, तथा ऐसे में वाहन चालकों को हादसों से बचाने के लिए करीब 5 दर्जन से अधिक वाहनों को ट्रस्ट व समिति के माध्यम से निःशुल्क रिफ्लेक्टर लगवाए गए हैं। ये जो रिफ्लेक्टर लगाए गए हैं, जन कल्याण समिति लोहारू के द्वारा लगवाए गए हैं, ठीक है। और इसमें जो धुंध का जो समय है, इसमें व्हीकल को, दूसरे व्हीकल के ड्राइवर को दिखाई नहीं देता है, तो रिफ्लेक्टर से ये मदद मिलती है। जैसे ही लाइट रिफ्लेक्टर के ऊपर पड़ेगी, तो दूसरे व्हीकल वाले ड्राइवर को पता चल जाएगा कि भी आगे कोई व्हीकल है जी। तो इससे जान सुरक्षित रहेगी ड्राइवरों की, जान माल की भी सुरक्षा रहेगी, ठीक है, और एक्सीडेंट होने से बचाओ। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।